नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। उल्हासनगर शहर की ये बदकिस्मती है कि हमारे शहर के कुछ नेता शहर हित से ज़्यादा निजी राजनीति को तवज्जो देते हैं, फिर चाहे इसलिए शहर को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। उल्हासनगर शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए टीओ के प्रमुख ओमी पप्पू कालानी ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया, जिसका यूटीए व फोरम सहित कई संस्थाओं ने समर्थन किया। वहीं भाजपा व्यापारी सेल अध्यक्ष नरेश दुर्गानी मीडिया में इसका अपरोक्ष रूप से विरोध करते नजर आए। अपने व्यापारियों को सिर्फ इतना सूचित करना चाहता हूं कि जब तक कोई सरकारी कोई भी आदेश नहीं आता है, कारपोरेशन हो, कलेक्टर हो, कोई भी, जब तक सरकारी निर्णय नहीं आ रहा है, आदेश नहीं आ रहा है, तब तक हम जो है उसमें विचार नहीं कर सकते। वो निर्णय नहीं, आदेश नहीं है, तो हम उस स्टैंड पे हैं कि जब भी सरकारी निर्देश आएगा हम उनके नियमों का पूरा पालन करेंगे। एक तरफ मीडिया में व्यापारी नेता नरेश दुर्गानी का एक रुख नजर आ रहा है, वहीं एक व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए नरेश दुर्गानी का दूसरा रुख नजर आया। न एकदम तवाजे की गाल चो था ना, असांगे पूरो ध्यान देण खपे। एकदम मां भी तवा सा सहमत है, पर जेकी हाने अनकंट्रोल स्थिति थी वही है ना, उनके कंट्रोल आने लाइ किथे था असांगे एक अचानक खपे ना प्लेटफॉर्म के तवा चौंदो करे न थे, असा चौंदा जी थे तो काई गाल मैच न थी ना, तवा के भी सपोर्ट करण खपे के बंद जो आह्वान करण खपे। जो रीजन आ ना, उनो रीजन चाहे समझो, आज असा बीजेपी पार्टी सा जुड़ल आयो, समझो करो, मां भले फेडरेशन जो भी अध्यक्ष आया, केदी मले छा थी जा जे शहर के किथे करणो भी आ ना, तो किथे किथे मानो के एकरो सहमति में गद खणबो आ बाबा भाई, असा ये कयूं ता भाई तवान जो भी असा के सहयोग खपंदो, ये ब अखर चवण में कोई तकलीफ तो ना है ना। अब यह सवाल उठता है कि शहर में तेज तरार व्यापारी नेता की छवि रखने वाले नरेश दुर्गानी के लिए शहर हित से ज़्यादा राजनीति मायने रखती है। वहीं ओमी पप्पू कालानी ने शहर हित को सबसे पहले रखने की बात कही है। तो उसमें मेरे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, वो भी जैसे आम नागरिक है, हमारे शहर के नरेश दुर्गानी जी भी आम नागरिक है, अगर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और बाकी तो उनका व्यक्तिगत राय क्या है वो उनको ज़्यादा बेटर पता। और ये जो लॉकडाउन का जो मेरा आह्वान है, वो मैं अपने लिए पर्सनली मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, ये जो भी जो हम प्लान कर रहे हैं ये एक ट्रायल है कि आज के टाइम पे हमारे शहर में सिचुएशन ऐसा है कि डेली के 150 केसेस बढ़ने का, आज का जो लेटेस्ट है वो 150 केसेस बढ़े हैं, और बाहर ऐसी हालत है कि भाई किसी भी हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल से वो लेने को तैयार नहीं है, जो सरकारी हॉस्पिटल से जहाँ जिसको कोविड डिक्लेयर किया गया है तो उधर बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं किधर भी, शहर भर में लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। तो ये जो कंसर्न है ये मैं हमारे शहर के लिए कंसर्न रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पप्पू कालानी जी से मैं जब भी मिलता हूँ मेरे पिताजी से, तो उनका पहला सवाल यही होता है कि शहर में क्या हालत है पहले मुझे वो बताओ। तो आज मेरा भी ये कंसर्न बनता है कि हमारे शहर के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो फ़ोन्स मुझे आते हैं, फ़ोन्स ही एक ही रीज़न से आते हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो बहुत उसमें स्टडी करने के बाद, डॉक्टर्स की मीटिंग लेने के बाद हमने एक ये ओपिनियन पे आके बैठे कि अगर हमने ये लॉकडाउन किया 1 हफ्ते का, तो ऐसे में जो चेन है नए पेशेंट्स का, वो कहाँ ना कहाँ स्लो डाउन होने का चांस है, तो ये एक हम चांस ले रहे हैं। और मेरा लोगों से फिर से यही अपील रहेगा कि जिसे नहीं करना है तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये जो मेरा कंसर्न है ये आप लोगों के लिए ही कंसर्न है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ। अगर मुझे कंसर्न नहीं होता तो मैं कहाँ ना कहाँ चला गया होता था, पर आज हमारे शहर के लोगों के लिए मुझे उनको सर्व करना है, तभी मैं उल्हासनगर में रुका हूँ, अपने घर पे हूँ। तो ये जो कंसर्न है पब्लिक कंसर्न है, और मैं हाथ जोड़ के सबको अपील करूँगा कि मेहरबानी करके अपने ये शॉप्स बंद रखें, अदरवाइज हम बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाएंगे। पप्पू कालानी जी की राजनीति में देखा गया था कि अक्सर वो शहर हित के मुद्दों पर वो अपनी विचारधारा के खिलाफ जो लोग थे उनके साथ भी जाकर काम करते थे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि आपको भी ऐसे दूसरे जो राजनीतिक विरोधी आपके हैं शहर हित में आप उनको साथ मिलें?
जी, ये बहुत अच्छी बात है और मैं भी खुद ये चीज़ मानने वालों में से हूँ। इसी बात को लेकर के आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग महापौर के कैबिन में बुलवाया था। उसमें बाकी जितने भी पार्टीज है सब लोगों ने सहमति दी है, सिर्फ एक बीजेपी पार्टी छोड़ कर के। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये चीज़ देख कर के वो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक कंसर्न है। और ऐसे टाइम पे कम से कम हमको राजनीति साइड में रख के, ये राजनीति का टाइम नहीं है, हमको राजनीति साइड में रखनी चाहिए और सबको एक मंच पे आके हमारे शहर के भले के लिए सोचना चाहिए।